अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुक विद डॉक्टर सोनिया। मैं बना रही हूँ आज अरेबिक डिश मकलूबा, बहुत टेस्टी होने वाली है। इनकी खास बात ये होती है कि मीट बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा टेंडर होता है और खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन स्पाइसेस थोड़े कम होते हैं इसमें। सो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, उसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। गरम मसाले हैं 4 सब्ज इलायचियाँ हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 5 लौंग हैं, 2 बे लीव्स हैं, तेज पत्ता और एक जो है वो दालचीनी का बड़े साइज का पीस है। अरोमा आने तक, खुशबू आने तक फ्राई कर लिया है और मीडियम साइज का प्याज बारीक चॉप किया हुआ ऐड किया है। इसको आपने ज्यादा कलर नहीं देना, जस्ट लाइट सा गोल्डन कर लें इसको। मीट है मेरे पास मटन बोन्स के साथ है, अच्छी तरह से वॉश किया हुआ है और 1/2 kg है ये क्वांटिटी में। इसकी आपने यहीं पे अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है क्योंकि बाद में हम भुनाई नहीं कर सकेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने कुक करना है। नमक 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया साबुत 1 टीस्पून। साबुत अवेलेबल नहीं है तो आप पाउडर भी ऐड कर सकते हो। और अगेन दोबारा से भुनाई शुरू करते हैं। और फिर मैंने इसमें इतना पानी डाल लिया था कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाए और तकरीबन 1 इंच पानी ऊपर हो। हल्दी 1/2 टीस्पून में ऐड कर रही हूँ, जरूर ऐड कीजिएगा। जब स्पाइसेस ऐड कर रहे होंगे आप तब भी ऐड कर दीजिएगा। इसको मिक्स कर लें और प्रेशर कुकर को मैं बंद करके तकरीबन 30 से 40 मिनट दूंगी। और वैसे 2 घंटे जो है इसको देखचे में लगेंगे कुक होने के लिए। मैं टाइम को सेव करने के लिए प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ, अदरवाइज जो है ये देखची में ही कुक की जाती है। ठीक है, ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें 2 दरमियाने साइज के आलू, मैंने बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटे थे, थोड़े से मोटे रखे थे, और उनको लाइट सा गोल्डन कर लेना है आपने और फिर डिश आउट कर लेना है। अगर आपको आलू पसंद नहीं है तो आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो, बैंगन ऐड कर सकते हो, जुकीनी ऐड कर सकते हो, बट फ्राई जरूर कीजिएगा। और मीनवाइल उसी ऑयल में ही मैंने मीडियम साइज की स्लाइस की हुई प्याज रफली कट की हुई है, थोड़ी सी थिक कट कीजिएगा, उसको भी फ्राई कर ले मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। और लाइट गोल्डन करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना। और फिर आपने अच्छी तरह से ऑयल छान के आपने इसको भी डिश आउट कर लेना है। मैंने चूंकि 2 कप चावल लिए हैं इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंगली ही थोड़ी थोड़ी वेजिटेबल्स ले रही हूँ। और डिश आउट हो जाए तो फिर अब हम चावलों की तरफ चलते हैं। ये स्टेप स्पेशली बिगनर्स के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है। ये जो मेयरिंग कप होता है ये मैंने 2 कप लिए हैं, बासमती राइस है और ग्राम्स में इसकी क्वांटिटी में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। और जेनरस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करके आपने इसको 2 से 3 बार मिक्स करते हुए रिंस करना होता है अच्छी तरह से, और फिर वाटर को ड्रेन कर देना है। फिर आपने इसको आधा घंटा भीगे रहने देना है और फिर आधे घंटे बाद पानी को ड्रेन कर लें। और अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, पहले भी शामिल कर चुके हैं यखनी में इसलिए अभी 1 टीस्पून जाएगा। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारे स्पाइसेस ऐड करके आपने सॉफ्ट से स्पैचुला के साथ इसको जेंटली मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से सॉफ्टली। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मीनवाइल मीट को चेक कर लेते हैं, अच्छी तरह से सॉफ्ट सा होना चाहिए और जब आप इसको टच करें तो ये बहुत ही सॉफ्ट और इस तरह से हो कि जैसे अभी बोन से सेपरेट हो जाएगा। तो साबुत मसाले मैंने इसमें से सारे अलग कर लिए थे, बड़े वाले पीसेस जो थे, तेज पत्ता और बड़ी इलायचियां, दालचीनी वगैरह। और इसको फिर मैंने डिश आउट कर लिया था, गोश्त को अलग कर लिया था क्योंकि हमने लेयरिंग में इसको यूज करना है अलग से। यखनी को आप छानना चाहें तो छान सकते हैं। अब लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। एक बटर पेपर मैंने राउंड फॉर्म में कट किया है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और सबसे पहले एक देगची ले लेते हैं और उसमें इसको बेस में इसके लगा लेते हैं। देगची आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले मीट की लेयरिंग मैंने की है, फिर मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज ऐड की हैं, ये ऑप्शनल है, यूजुअली ऐड नहीं की जाती, स्पाइस के लिए मैंने जस्ट ऐड की हैं। फिर प्याज की लेयरिंग कर लेते हैं जो हमने गोल्डन करके रखा हुआ था। फिर पोटैटोस को ऐड कर लें। सबसे पहले मैं साइड पे ऐड कर रही हूँ और चूंकि मैंने ज्यादा नहीं लिए तो इसलिए मैंने सिर्फ साइड पे ही ऐड करें ताकि अच्छी सी लुक आ जाए। ग्रीन चिलीज फिर ऑप्शनल है, ऐड कर लें और फिर राइस की लेयर अच्छी सी लगा लें, ऊपर से अच्छी तरह से बैलेंस कर लीजिएगा किसी स्पैचुला की मदद से। अब हम एक स्पैचुला या स्पून की हेल्प लेते हुए यखनी को ऐड करेंगे और ताकि ये अच्छी तरह से इवनली सारी स्प्रेड हो जाए और कहीं पे भी कोई डिप क्रिएट ना हो। तकरीबन 1/2 to 1 inch above द राइस लेवल आपने यखनी का लेवल रखना है।
मेरी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली अप्रोप्रिएट क्वांटिटी थी। अगर आपको लगे कि कम है तो आप बॉयल वाटर भी ऐड कर सकते हो, टैब जरूर कीजिएगा इस तरह से। और फिर कवर करके आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक होने के लिए रखना है जब तक कि सरफेस का वाटर जो है वो ड्राई हो जाए और इस तरह से आपको बबलिंग नजर आने लग जाए, तो फिर आपने इसको अनकवर करना है और स्पून की मदद से आपने तकरीबन 5 से 8 जगह इस तरह से डिप्स क्रिएट करने हैं ताकि अच्छी तरह से स्टीम क्रिएट हो जाए और कुक हो जाए। फिर लो फ्लेम कर दें और इसको आधा घंटा दम पे रख दें, होल सारे कवर कर दें, हो सके तो ऊपर हैवी ऑब्जेक्ट रख दें। 30 मिनट्स के बाद ये रेडी है, आप ऊपर प्लेट रखें और 5 मिनट के लिए इसको सेट होने के लिए रख दें। 5 मिनट बाद इसको सबसे मुश्किल काम करें, फ्लिप कर दें और 5 मिनट दोबारा से सेट होने के लिए रख दें। और अब देगची को स्लोली आपने हटाना है और जबरदस्त ही हमारी रेसिपी देखिए रेडी है। बटर पेपर को स्लोली रिमूव करें और इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, रेसिपी को लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।